समझ जाओ भाई क्या बन रहा है। दिल के अरमान पूरे हो रहे हैं आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी सैटरडे। कैसे आप सब लोग भाई? हमारा सैटरडे बहुत मस्त है। गुरु जी रवि जीजू आए पापा मामा के साथ, बच्चों के साथ। तो आज और कल का दिन सुपर जाने वाला है। जीजू को पता चला कि वो लोग आज रात को भी रुकने वाले हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता अभी कि वो आज रात को भी रुकने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि आज यहाँ रुकना है। हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाले लोग हैं। हमें जो बताया गया, हम जो ड्राइवर लोग हैं, हम तो ड्राइवर लोगों की भी अपनी जिंदगी होती है यार, मतलब ऐसे थोड़ी है। आपकी जिंदगी यही है। ड्राइवर लोग आज मजे कराएंगे। नाश्ते बन रहा है आलू पूरी, उसके बाद हम लोग करेंगे बारबेक्यू, उसके बाद हम लोग करेंगे, हम बनाएंगे छोले चावल, पूल पार्टी। टाइम ही नहीं मिलेगा जाने के लिए। ड्राइवर लोगों के बस जिंदगी होने वाली है। मूवी देखने जाएंगे, 5 बजे का शो है, 8 बजे तक नींद आने लग जाती है। तो बने रहो, जितनी एक्साइटमेंट हम करेंगे उतनी एक्साइटमेंट आपको दिखा देंगे कि कितनी थी। तो अभी आलू पूरी बनाते हैं, आलू पूरी बनाने के बाद आपको वर्चुअली खिलाएंगे। सबके लिए बने हैं आलू और रवीश के लिए बने हैं छोले। पूछो क्यों, बताओ क्यों? दमाद हमारे घर में, क्योंकि तो कुछ नया खिलाएंगे। नहीं नहीं, क्योंकि घर के दमाद आलू नहीं खाते। दमाद को अगर अंग्रेजी बोलो तो कैसे बोलेंगे? द मैन हैट। ये तो आलू का शरीफ दमाद है। पहले के दमाद तो बड़े खतरनाक हुआ करते थे। बताया मैंने तुमने बनी ऐसी, अब तू खा के बता दे। मैंने तो बनाई है। मैं पुदीना डाला हमने, पुदीने का मस्त टेस्ट आ रहा है। मतलब धनिया की जगह आलू की सब्जी का पुदीना डाल दो, तो बहुत टेस्टी। सच में बहुत टेस्टी बनी थी। टेस्टी तो बहुत बढ़िया है। मीठी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अप्रूव दीदी ने करी भाई, मैंने 2-3 बार बना बनाकर टेस्ट कराई थी। अब बताओ कैसी। मैं आटा जिसने किया उसको सब एक दूसरे को क्रेडिट दे लो। आटा मैंने किया, पूरियों का सब्जियां दीदी ने बनाई है, पूरी आंटी ने तली है। आज फिर एमी सबसे पहले कूद की है। ये मेरी फिश है भाई। ऐसा है, हमारी पूल पार्टी हो गई है शुरू, और अब अंकल है लाइफ जैकेट पहनकर स्लाइड करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अंकल भी लाइफ में। अंकल आप नर्वस हो कि एक्साइटेड हो? दोनों। आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं पानी में नहीं जा रहा। नहीं, आप लाइफ गार्ड हो जीजू अभी। मेरे को तो यही कहा था आपने। आई एम द लाइफ गार्ड, सो मैं बाहर बैठ के देखूंगा सबको। लाइफ गार्ड है जो पानी में नहीं उतरा। चलो भैया, अंकल का देखते हैं सांस से थाम के। आंटी फेवर में नहीं थे कि अंकल करे ये। अंकल हाउ वाज एक्सपीरियंस? मस्त। मतलब अब आंटी को ट्राई करना चाहिए। आंटी अब आपको करना चाहिए ट्राई। भाई ऐसा है, ये जो स्लाइड है ना, ये भी कंटेजियस है। एक बार कोई कर ले तो सबका करने का मन करता है, अगर नहीं करता तो हम धक्के से करवा देते हैं। अब आंटी को हम लोग सिखा रहे हैं और मोटिवेट करें कि आपने भी करना है। आंटी करोगे ना? अब तो कैमरा भी ऑन हो गया, बोल दो हाँ करूंगी। बच्चे और पोते भी कर रहे हैं। मेरे पोते ने कर लिया तो समझ लो मैंने भी कर लिया। भाई ऐसा है, मेरी मोटिवेशनल स्पीच काम आ गई है। ये फैम करके भी दिखा रहे हैं कैसे करना है। जब तक यहाँ आओगे ना, तब तक कैसे अपना प्राणायाम में सांस रोकते हो ना। ये देखो टिप्स, देखो लोगों के टिप्स। ये ऐसी स्लाइड कुछ नहीं है गुरु, आगे चलो। कुछ नहीं, आराम से देखो, पकड़ना नहीं, जाने दो, अगली बार जाने देना। आंटी ऐसी स्लाइड नहीं देखी किसी की। बहुत बढ़िया, सबसे अलग। ये आप ही कर सकते हो बस। रवीश ने कहा था सांस रोकना यहाँ। आंटी ने पूरा खुद को रोक लिया। रवीश ने कहा था सांस रोकना, आंटी को याद रहेगा मैं भी किसी की सांस हूँ। चलो बेटा कुछ ईट करते हैं, कम ऑन। गाइस आपने हमारा बैकयार्ड देखा है ना अच्छे से? आपको पता है कि हमारे बैकयार्ड में एक पेड़ भी है, बहुत ही मैच्योर ट्री है। उसके कई यूज़ होते हैं। उस पेड़ से फल तो नहीं आते, फूल आते हैं, छाया मिलती है। एक जो उसका बेस्ट यूज़
जो आज हो रहा है ना वो आपको दिखाता हूँ। हाँ जी गुड मॉर्निंग। पूल पार्टी के बाद दोनों थक के यहीं पे सो गई हैं। शिल्पा इतना मजा आ रहा है लेट के देखते हुए। मेरी तरह पूल में मजा नहीं आएगा जितना लेट के मजा आएगा। मैं कह रही हूँ आज वसूलूंगा मैं पैसे तुम्हारे घर के। सफल हो गया घर लेना ना। गुड्डू कितने टाइम बाद से पेड़ के नीचे सो रही है? पेड़ के नीचे बचपन में हो सकता है वो जो बस अड्डे वाला पार्क था उसमें कभी सोए होंगे ऐसे नीचे। अब पार्क में जाके सोने गए थे? हाँ हाँ कई बार वहाँ तो सो गए होंगे। बचपन में बहुत जाते थे चाचा जी के साथ जाते थे मुझे याद है वहाँ खेलते रहते थे फिर वहीं सो जाते थे। बड़ा अच्छा लग रहा है यार है ना। चाय पीनी है किसी ने? पहले सोना। चलो जी सो जाओ तुम तो सो ही जाओ प्लीज। आधे घंटे का अलार्म लगा कर फुला लो। मैं आधे घंटे में उठा लूंगा यार। तू भी सो जा थोड़ी देर। मैं भी सो ही जाता हूं। या वो बाहर सोफा है ना उसमें सो जाओ। तो आया था इनको गुड मॉर्निंग बोलने मुझे सुला दिया इन्होंने। मुझे ही कह रहे कि जाके सो जाओ गुड नाइट बोल के जा रहा हूँ इनको। मम्मा मम्मा स्लीप कर रहे हैं बेटा ट्री के नीचे। हाँ जी ट्री के नीचे। शाम के बज गए 7। पूल में 2-3 घंटे नहा लिए फिर हम सारे नहा लिए तैयार हो लिए सो भी गए 2 घंटे। चाय पी ली समोसे खा लिए और अब चल रही है बारबेक्यू पार्टी और उसके बाद चलेगी सीक्वेंस पार्टी। तो दिन पूरा जाम पैक्ड है और आपको मजे आ रहे हैं नहीं आ रही है मुझे बताओ। और अगर आ रहे हैं तो प्लीज नीचे छोटा सा सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज कमेंट्स करना मत भूलना बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये बच्चों की सेकंड शिफ्ट लग रही है पूल में। 3 बजे निकले थे ये लोग 2 घंटे इन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद से दोबारा से पूल में घुस गए हैं ये। ये स्लाइड के मजे आ रहे हैं इनको। ऐसा है बारबेक्यू के साथ लोग कुछ और पीते हैं हमें जी दूध पी रहे हैं। दूध नहीं मीठी लस्सी जी जो भी वही कर रहे हैं। यस दूध नहीं है भाई लस्सी है लस्सी मीठी लस्सी यही होना चाहिए। बारबेक्यू के साथ लोगों को लस्सी रखनी चाहिए। आएगा नहीं तुम्हारे घर भाई हमारे घर बारबेक्यू में लस्सी मिलती है बारबेक्यू के साथ। हेलो यस हेलो 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 जय माता दी 1 2 3 ऐसे बोलते हैं। हेलो हेलो जय माता जी 1 2 3। और गाइस अब तैयारी चल रही है सैम के एडवांस बर्थडे पार्टी की। सैम व्हेन इज योर बर्थडे? इन 3 डेज। तो हम तो भाई एडवांस में मना रहे हैं। आजकल केक कट करने से पहले कैंडल्स भी बर्थडे बॉय लिट करता है। बुझाना तो है नहीं जला ही लो। इट्स माय बर्थडे इट्स माय बर्थडे। 12 साल हो गया। 12 साल। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर समक्ष Happy birthday to you. Are you 1? Are you 2? Are you 3? Are you 10? Are you 11? Are you 12? Yeah! Yay! अब birthday box मिलेंगे आपको birthday box. मैं साथ साथ नहीं आऊँगा. तू मेरे ना? देखो birthday box दे दूँ. कोई भी दे देगा so. खुश रहो दादा दादी की सेवा करो। दादी आपके पोते भी है। तो दीदी इतने दिनों के बाद सीक्वेंस खेल के कैसा लगा? आपसे क्या खेली और बॉयज को 3-1 से हराया हमने। अच्छा अंकल को 3 बार लगातार हरा कर आपको कैसा लगा? मजा टाइम हो रहा है 11:10 और हमने अभी सीक्वेंस की गेम लगाई 4 बार खेला। बॉयज वर्सेस गर्ल्स क्या था कि आंटी मैं और दीदी एक टीम में थे और अंकल जीजू और अमित एक टीम में थे। सोचो हमने 4 बार खेला और 3 बार हैट्रिक किए उनको हराने में। मतलब मेरे को यार सीक्वेंस में हराना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी कभी भी सीक्वेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी ना तो मेरा नाम जरूर देना कनाडा की तरफ से। मैं मुश्किल ही हारती हूँ ऐसे। राखी को हम 2 गुलाब जामुन खाते हैं। तो भी राखी सेलिब्रेट हो रही है। राखी नहीं सेलिब्रेट सिर्फ राखी के गुलाब जामुन खा रही है। राखी में तो पता नहीं इस बार फाद हो गए कि नहीं हो गए तो राखी के गुलाब जामुन खा रहे हो। हैप्पी राखी भाई तुम दोनों को। थैंक यू थैंक यू। बाबुल की दुआएं भाई अब लेती जा के मैं यही कहेंगे ना यूएस लेती जा
यहाँ पर मैं छोड़कर जाना, यूएफ लेकर जाना अपनी दुआएं। अभी हम मिल रहे हैं, ठीक है भाई, ऐसे नहीं कर सकते हम कि एक बार और ना मिले। अगर ये 10 दिन भी यहाँ पर रुक गए तो मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे। अभी हम बहुत दिन ऐसा, किसी दिन रात को भी आ जाओ, रात को वही रुक जाओ ना। अब यूएस से वापस आओगे ना तो आपने नया घर भी मिलेगा, मम्मी पापा ने लेना है ना, ले लेंगे, जलवाना तो इसी ने भाई। मैं तो घर बुक करवा दिया इस लाइन में जो सबसे सुंदर था। आंटी अंकल बोल रहे हैं अब अगर उन्होंने कब अपने फ्यूचर में घर लेना हुआ ना कनाडा में, तो विड भी मिलेंगे, अब देख लो। और विड भी मिलेंगे और दूसरा मॉर्गेज एजेंट हमारे यही रहेंगे। मॉर्गेज एजेंट आप खुद रहोगे, डॉक्टर अपना इलाज थोड़ी करता है। और घर हम लेंगे, ये बता देना, इनसे बात बात करके यहीं की गली में लगा देंगे कोई घर सेल करने के लिए। ठीक ठीक, गली में रहेंगे भरोसे। अगर आपने रैली है ना, इनके भरोसे आगे ये रहते हैं, तो बस फिर ये कोई पता नहीं है, कल ही कहेंगे हम तो बेच रहे निकल रहे हैं। हम कौन सा कल ले रहे हैं, फिर हम अपना बेच के कहेंगे रहना हमने विड भी मिलिया, मंगल आंटी घर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे बोला भी मत करो, कोई बोलता तो मुझे दर्द होता है कि मैं नहीं बोलूं। पापा आगे पता नहीं कब सरपति बैठ जाए, बिल्कुल नहीं बैठ देते, यानी कि डोली इसी घर से उठाएंगे। ओहो, इतना लंबे प्लान ना बनाओ। एवी तेरी डोली इसी घर से जाएगी, ठीक है, पता होगा डोली क्या होती है। मामा आस्क व्हाट इज डोली, मामा डोली आंटी, मावे बच्चों को कहती थी ना अगले घर जाना है, कहती अगला घर तो उनका है, वो तो लड़का मुझे पसंद नहीं है। एमी ने डोली वाली बात बहुत सीरियस ले ली, अभी फिर रोने लगी है। भाइयों की डोली पे रो रही है, भाइयों की तेरी नहीं, भाइयों की। Why are you sad? They are going to US. Now you can also go to US, stay with them. Oh, she's tired. इतना मजा आता है, कोई बानियों के घर चले जाओ ना, उनकी बहुएं बड़ी देर प्यार दबाती है, नहीं वो दबाती है, दबाती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू जीजू, आपको भी अब मान गई दीदी की बात, वरना अब मेरे को पता दीदी की चलती नहीं इतनी ज्यादा। देखो पूरी दुनिया को पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है। जीजू देवभूमि से आए हैं, मैं बताऊं चलती नहीं है, चलती ही नहीं की है। हाँ मम्मी तो कहेंगे कि चलती ही नहीं है मेरे बेटे, जीजू मान गए। देखो दो रात, पहली बार जिंदगी में, हमें कनाडा में 5 साल हो गए, पहली बार 2 दिन रुक कर जा रहे हो जीजू, कभी भी 2 दिन नहीं रुके हो कभी भी। चलो यूएस जाने से पहले आपने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत मजा आया, बहुत शब्द इमोशनल हुए हुए, घर जाके बताता हूँ शब्द। नहीं दीदी मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, आप पहली बार जिंदगी में 2 रातें रुके हो, तो जी जो कुछ भी बोले ना यही डायलॉग बार बार, पहली बार रुकी हो क्या हो गया, पहली बार तो रुकी क्या हो गया, ये बोलना फिर। चलो ओके बाय, ओके बाय, सी यू सून। देखिए आपने एमी की लेटेस्ट पेंटिंग, नहीं मैंने नहीं देखी थी, मैंने अभी देखी, ये एमी ने कब बनाई है, हो गए हैं 3-4 दिन, एमी ने 4 different phases ऑफ स्काई बनाया है इसमें, मतलब नाइट बनाई है, अर्ली मॉर्निंग बनाई है विद क्लाउड, फिर एक वो रेड वाली इवनिंग बनाई है विद क्लाउड, फिर नाइट बनाई है और एक क्लियर स्काई बनाया है। तो आप बताओ भाई कैसे बनी है लेटेस्ट पेंटिंग, मतलब अच्छी लग रही है, ठीक है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, बट हाँ ठीक है, बढ़िया यार बढ़िया। क्या हो रहा है भाई, तुम भी यहाँ ऊपर चढ़ गई हो, सोए नहीं तुम लोग। पता है गाइस, आज एमी की ना 8th swimming class थी, तो हमने 10 classes ली थी एमी के लिए, और कल तक भी ना एमी पूल में अपने आप जंप नहीं कर रही थी, तो कल चीकू फैम के साथ पूरा दिन ही पूल पे रही है, तो चीकू और फैम अपने आप आते थे, मतलब पीछे से भाग कर आते थे पूल में, जंप करते थे, स्लाइड भी करी उन्होंने। मेरे को ना यू लग रहा था कि यार एमी तो स्विमिंग सीख भी रही है, उसके 7 classes हो चुके हैं, वो जंप क्यों नहीं करती है, वो पूल में तक क्यों डर रही है कि वो जंप नहीं कर रही, और पता है कल इतना बोलते रहे उसको उसने नहीं करी, और आज इसकी टीचर ने इसको बोला एमी जंप, और जब भी इसकी टीचर इसको जंप करने के लिए बोलती है ना पूल में, ये कभी भी जंप नहीं करती है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या आया, कहती ओके एंड शी जंप, और उसके बाद शी जंप द सेकेंड टाइम एंड शी जंप द थर्ड टाइम, फिर टीचर भी हैरान हो गई कि 7 classes तक इतना रेजिस्टेंस, और 8th class में शी जस्ट जंप पता नहीं कितनी बार, उसके बाद टीचर चली गई, उसके बाद मुझे कहती है मम्मा देखो, एंड शी रैन फ्रॉम फार एंड शी जंप इन द पूल। Nobody with my floaties and jumping all by myself. And I did it. And then I said, now I want to try without floaties. And then I did it without floaties. अचानक से मतलब 7 classes तक 0 score है और 8th class में 10 on 10. तो पता है आज मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग हुई कि यार बच्चों को सिखाने की ना कोई टाइमलाइन नहीं होती और कोई कंपैरिजन नहीं होता, हर बच्चा अपने पेस पे सीखता है
और हर बच्चा सीख जाता है। पता नहीं कब आपका बच्चा आपको कब अमेज कर दे किस चीज के लिए कि आप कल तक बोल रहे हो कि यार इसने भी शुरू भी नहीं किया और अगले दिन वो खत्म भी कर देगा ना, यू नेवर नो। मतलब अब मेरे को लग रहा है 8th क्लास के बाद कि अब 3-4 क्लासेस और एंड एमी विल बी परफेक्ट, एमी को अच्छे से स्विमिंग आ जाएगी। चलो सुबह जाना है। अगर बच्चे अच्छा करें तो उनको एनकरेज करना भी बहुत जरूरी होता है भाई, क्योंकि अगर उनको एनकरेज नहीं करेंगे तो उनको ये अचीवमेंट नहीं लगेगी। ये बच्चों के अंदर ना सेंस ऑफ अचीवमेंट देनी बहुत जरूरी है ताकि दे यू नो क्रेव फॉर मोर अचीवमेंट्स, दे क्रेव फॉर मोर सक्सेस। चलो एमी सुबह डे केयर जाना बेटा, अब नैना करो गुड नाइट। चलो मैं भी जा रही हूँ। ओके गुड नाइट, गुड नाइट। When I think about yesterday, my oh my, my oh my. अब इससे पहले कि 2 मिनट हमारी गप्पे शुरू हो, आप चेक करो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, गुड। अगर कर लिया है तो अब लाइक भी कर दो वीडियो को और मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप मुझसे मिलने जुलाई 30th को आ रहे हो या नहीं। मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, जुलाई 30th हम लोग मिल रहे हैं शाम को 5:30 बजे CN टावर के नीचे टोरंटो डाउन टाउन में, ठीक है। तो प्लीज मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आप सब मुझसे मिलने के लिए आना अगर टोरंटो में उसके आस पास हो तो, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो आपके शहर में मीटअप होगा ही हमारा, तब मिलने के लिए आना, ठीक है। तो बर्थडे शाउटआउट से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, मुझे कल परसों बड़े सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए कि शिल्पा तुमने तो चीटिंग कर दी ये बोलकर कि तुम डेली आओगी। वैसे यार डेली का मतलब आई नो, मैंने कहा था मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली व्लॉगिंग में एकदम से आ रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं मैनेज कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि जब घर से काम कर रही हूँ तो फिर उस दिन कोशिश करूंगी कि पक्का यार व्लॉग आ जाए, और जिस दिन ऑफिस जाऊंगी तो उस दिन तो मैं घर ही 6 बजे पहुंचती हूँ यार कैसे आएगा व्लॉग, बट मैं कोशिश करूंगी मोर फ्रीक्वेंट आने की। पता क्यों कोशिश करूंगी, बिकॉज जब भी आप लोग मुझे मैसेजेस करते हो ना कि शिल्पा प्लीज डेली व्लॉगिंग किया करो डेली आया करो, तो मैं आप लोगों को हमेशा लिखती हूँ आई विल ट्राई एंड देन सडनली आई रियलाइज शिल्पा तुम रिप्लाई तो सबको कर देती हो आई विल ट्राई, बट आर यू रियली ट्राइंग। तो वो जो 2 दिन लगातार व्लॉग आया था ना, वो मेरा एफर्ट था ट्राई करने का कि देखो अगर मैं बोल रही हूँ आई विल ट्राई तो आई एम ट्राइंग। अब पिछले 2 दिन फिर से व्लॉग क्यों नहीं आया, तो यार देखो रवेश जी जो गुडू दी घर पर आए हुए थे और वो लोग बहुत दिनों के बाद आए थे, और उसके बाद पता नहीं अब फिर कब आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वो US शिफ्ट हो रहे हैं, कब हो रहे हैं ये एग्जैक्टली नहीं पता है, अगस्त में सेप्टेम्बर में जब भी, बट हाँ डेफिनेटली वो हो रहे हैं। बट मुझे ये पता था कि हमारे घर पर शायद जब तक वो US नहीं चले जाते उस ड्यूरेशन में लास्ट टाइम आ रहे हैं, अब जब वो आएंगे तो US से कभी आया करेंगे और वो पता नहीं कब आएंगे, राइट। तो फिर आई रियली वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद देम, गिव टाइम टू द फैमिली, और रात का टाइम होता है एडिटिंग करने का मोस्टली, तो वो रात गुडरी और मैं गप्पे मार मार के बिता रहे थे। तो एक रात हमने सुबह 5:30 बजे गप्पे मारी है और एक रात 3:30 बजे गप्पे मारी है, तो वो एडिटिंग वाला टाइम वो बस फैमिली टाइम हो गया। तो अब मैं फिर से कोशिश करने वाली हूँ कि अभी मैं 3 दिन घर से काम कर रही हूँ, मंडे ट्यूजडे वेंसडे, तो मैं 3 दिन कोशिश करूंगी वीडियो डालने की। अब बर्थडे शाउट आउट्स, तो जुलाई 23rd को बर्थडे था फारसी के हस्बैंड प्रीतेश का, और जुलाई 25th को 2 बर्थडे है, एक तो दाना मोहम्मद अशर का हु इज टर्निंग 5 years old, और एक मेरी सब्सक्राइबर है ममता उनकी डॉटर आर्या का। तो आप सबको विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मुझसे मिला कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।